Hello students, today I am going to explain next part of the chapter 1, My Family and I. Now let's go to the next topic, Family Tree. Today I am going to explain topic Family Tree. A family tree is a chart that shows the relationship among different members of a family. A family tree is a chart. Family tree जो है वो एक chart है जिसमें वो क्या दिखाता है? Relationship among different member of a फैमिली परिवार के अलग अलग सदस्यों के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है. मेंबर्स ऑफ योर फैमिली हु आर रिलेटेड टू योर फादर आर योर पैटर्नल फैमिली मेंबर. ऑल द फैमिली मेंबर ऑफ योर फैमिली आपके परिवार के जो भी सदस्य आपके पिता से संबंधित हैं, पिता की फैमिली से संबंधित हैं, वो पैटर्नल फैमिली मेंबर होते हैं, यानी पिता पक्ष के मेंबर होते हैं सदस्य. ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हु आर रिलेटेड टू योर मदर आर योर मैटरनल फैमिली मेंबर. और जो भी मेंबर आपकी फैमिली के जो भी मेंबर आपकी मदर की फैमिली से रिलेटेड होते हैं वो आपके मैटरनल फैमिली मेंबर होते हैं. द पेरेंट्स ऑफ योर फादर आर योर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. और आपके फादर के जो पेरेंट्स हैं वो आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं. And the parents of your mother are your maternal grandparents. और आपकी माता के जो parents हैं, mother के जो parents हैं, वो आपके maternal grandparents हैं. In different states of India, भारत के अलग अलग राज्यों में we call these people by special names. हम इन लोगों को special names से यानी अलग अलग नामों से समूह से संबोधित करते हैं. To the next space, here. सिमी लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली. सिमी जो है जॉइंट फैमिली में रहती है. दिस इज अ फैमिली ट्री ऑफ सिमी पैटर्नल फैमिली. और ये सिमी की पैटर्नल फैमिली ट्री है विथ थ्री जनरेशन, जिसमें थ्री जनरेशन को शो किया गया है. फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में दिखाया गया है नरेश, सिमीज ग्रैंड फादर. नरेश हैं सिमी के ग्रैंड फादर, दादाजी. फिर है उषा, सिमीज ग्रैंड मदर. फिर है उषा सिमी की ग्रैंड मदर. सेकेंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी. विवेक सिमीज अंकल, विवेक सिमी के अंकल. गौरी सिमीज आंट, गौरी सिमी की आंट. आलोक सिमीज अंकल. विशाल सिमीज फादर, विशाल सिमी के पिता. एंड रीना सिमीज मदर, सिमी की माँ. नाउ लेट्स गो टू थर्ड जनरेशन. Now let's go to the third generation. Rishabh, Simi's cousin. Rishabh, Simi ka cousin. And Payal, Simi's cousin. Simi khud and Arjun, Simi's brother. Or Arjun, Simi ka bhai. Now let's try two. First question, write the relationship in a family. अब फैमिली में जो भी रिलेशनशिप है आपको उस फैमिली में रिलेशनशिप है उनको लिखिए. यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. और हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं उनको यूज़ करिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, योर फादर एंड मदर आर, माता और पिता आपके क्या हैं? पेरेंट्स. बी, यू आर योर पेरेंट्स डैश, आप अपने पेरेंट्स के क्या हैं? चाइल्ड. सी, योर ब्रदर और सिस्टर इज योर डैश सिबलिंग, आपके भाई बहन आपके क्या हैं? सिबलिंग. डी, योर फादर्स पेरेंट्स आर योर डैश ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फादर के पेरेंट्स आपके क्या हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. ई, योर मदर्स पेरेंट्स आर योर डैश ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मदर के पेरेंट्स आपके क्या हैं? मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. नेक्स्ट एफ, योर मदर और फादर हैज अ सिस्टर, आपकी मदर या फादर की कोई बहन है. शी इज योर डैश, शी इज योर आंट. जी, नेक्स्ट जी, योर मदर और फादर हैज़ अ ब्रदर, आपकी मदर या फादर का कोई भाई है. ही इज़ योर, तो आपका कौन होगा? अंकल. एंड नेक्स्ट एच, योर अंकल वाइफ इज़ योर डैश, आपकी अंकल की वाइफ आपकी क्या है? आंट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन कंप्लीट, लेट्स ट्राई सेक्शन 2, दिस इज़ योर होमवर्क. टिल देन गुड बाय.